हिप्नोथेरेपी पेट के विकार के लिए, इसके बारे में क्या सजेशन होते हैं और सम्मोहन उपचार कैसा करना चाहिए, ये आज मैं ये सेशन में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। पेट विकार काफी लोगों को होता है, 1000 आबादी में कम से कम एक या दो लोगों को मिनिमम पेट के विकार कुछ ना कुछ रूप में चालू रहते हैं, और उसमें पेट में जलन होना, पेट फूलना, लैट्रिन शौच मतलब बार बार जाना या जाना नहीं, कॉन्स्टिपेशन होना, दो दिन तीन दिन नहीं जाना, या फिर कभी ज्यादा होना कभी कम होना, या शौच होने के लैट्रिन होने के बाद में भी ऐसा लगना कि हुई नहीं है, जी मछलाना, उल्टी जैसा लगना, सीने में जलन, ऊपर ऐसा एसिड बाहर आना ऐसा लगता है, पेट में जलन होती है, पेट फूल जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती, वजन कम हो जाता है, और ये सब पेट विकार जो है इसकी पूरी जांच करने के बाद में भी सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। पेट की सोनोग्राफी, पेट की एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी मतलब गैस्ट्रोस्कोपी, सभी तरह की स्कोपीज या सभी टेस्ट सब करने के बाद में भी सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, और फिर डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट को कि तुम्हारे पेट में कुछ नहीं है, चिंता मत करो, और ऐसा बोल के उनको कुछ तभी दिमाग शांत करने की गोली लिख के देते हैं। एक्चुअली जब पेट के विकार है, उसको तकलीफ हो रही है और सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो उसका मानसिक कनेक्शन है, ये पक्का है। ऐसी एक थ्योरी है कि जिसमें सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये जो फील गुड हार्मोन्स है, तो ये हार्मोन की कमी होने से जिसका असर पेट में होता है, और पेट में भी ये हार्मोनल लेवल्स कम हो जाते हैं सिक्रीशंस में पेट के, इसलिए ये बीमारी होती है, ऐसा एक स्टडी है। अभी हम देखते हैं कि ये ऐसी बीमारी है तो उसका इलाज कैसा करें, सम्मोहन द्वारा सजेशन क्या दे, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये पेट विकार के लिए मैं दवाई देते रहता हूँ, मेडिसिन से, और उसके अलावा हिप्नोथेरेपी मैं करता हूँ पेशेंट के ऊपर, तो उसके सजेशन क्या है तो हम देखते हैं। तो हिप्नोथेरेपी का यह सेशन करीब करीब 20 मिनट चलता है, और यह 20 मिनट में पेशेंट ने आराम कुर्सी पर बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है, कमरे में बहुत अंधेरा नहीं होना, ऐसा लाइट ब्लू है मतलब ऐसा हल्का हल्का ब्लू लाइट है, मोबाइल ऑफ, और शांत जगह जाके बैठने का है जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं बार बार, अभी मैं सेशन करूंगा तो बार बार मैं रिलैक्स, स्लीप और डीप ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा। इसका मैं अर्थ आपको बता रहा हूं, मैं बोलूंगा रिलैक्स, इसका मतलब पूरा बदन ढीला छोड़ने का है, पूरा बदन रिलैक्स करने का है। मैं बार बार बोलूंगा रिलैक्स, मैं बार बार स्लीप बोलूंगा, इसका मतलब सोना, तो आप सो रहे ऐसी कल्पना करना है, गद्दी पर लेटे हैं और घर पे सो रहे ऐसी कल्पना करना है। और मैं डीप ऐसा बोलूंगा तो डीप मतलब गहरा, अंधेरा, तो जब मैं डीप ऐसा बोलूंगा तो आप गहरी गहरी अंधेरी गुफा में अंदर अंदर जा रहे हैं, अंधेरी गुफा में, ऐसी कल्पना करनी है। मैं बार बार रिलैक्स, स्लीप और डीप ऐसा बोलते जाऊंगा, और फिर आपको बोलूंगा कि आपकी जो आपका जो अन्न नलिका है पूरी ऊपर से नीचे तक, उसको रिलैक्स करो। और उसको रिलैक्स ऐसा करने नहीं आता, मतलब हमारे हाथ में वो कोई वॉलेंट्री मसल नहीं है कि जैसा हाथ रिलैक्स किया तो हो जाता है हाथ रिलैक्स, पेट रिलैक्स मतलब अंदर की अन्न नलिका रिलैक्स करो, ऐसी रिलैक्स नहीं होती, तभी आपने ऐसा इमेजिन करना है कि वो रिलैक्स हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पूरी जो अन्न नलिका है, पाचन संस्था पूरी रिलैक्स हो रही है, ऐसी कल्पना करनी है। सम्मोहन में आप जितनी कल्पना करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, आंखों में कैसा दिखेगा कि आपका पेट अच्छा हुआ है तो कैसा दिखेगा, वो विजुअलाइजेशन ऐसा करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं, आराम से बैठो, पूरा बदन रिलैक्स करो, पैरों के अंगूठे और पूरा बदन रिलैक्स करना है। चलो अभी हम शुरू करते हैं, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स 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 हो गए, हाँ
पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गा रिलैक्स करो, गा रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स करो, सिर रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, पूरा सिर रिलैक्स हो गया, चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है। एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है, और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं भी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था गहरी गहरी होते जाएंगी, और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, गो डीपर एंड डीपर, चार, पांच, छः, स्टिल डीप, सात, आठ, नौ, दस, नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं। वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है। सूचनाएं रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में अपनाने की है। जब जब
आपके मन में बार 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 पेट विकार के विचार आएंगे, पेट विकार के लक्षण हो रहे ऐसी तकलीफ हो जाएंगी, तब तब आप वो विचारों को बाजू में रखेंगे, पूरा बदन रिलैक्स 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 करेंगे और पूरी पाचन संस्था अंदर से रिलैक्स हो रही है ऐसा अनुभव करेंगे। जब जब आपके मन में बार 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 पेट विकार के पाचन संस्था के विचार आएंगे, उसके लक्षण आपको दिखने लगेंगे, तब तब आप वो विचारों को बाजू में रखेंगे और अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स करेंगे, पाचन संस्था पूरी अन्न नलिका पूरी रिलैक्स हो रही है ऐसी कल्पना करेंगे। जब जब आपके मन में बार बार पेट विकार के विचार आएंगे, लक्षण दिखेंगे अन्न नलिका की, जैसे एसिडिटी है, कोई ढकार आ रही है, कोई कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे विचार आएंगे या लक्षण आएंगे, तब तब आप अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स करेंगे, विचारों को बाजू में रखेंगे और अपने बॉडी को पूरा बाहर से अंदर से अन्न नलिका को पूरा रिलैक्स कर रहे हैं ऐसा अनुभव करेंगे। पूरा रिलैक्स करना है अन्न नलिका को, पाचन संस्था को पूरी रिलैक्स हो रही ऐसी कल्पना करना है, पूरी रिलैक्स कंप्लीटली रिलैक्स। जब आपके मन में बार बार पाचन संस्था के अन्न नलिका के विकार के विचार आएंगे, जैसे एसिडिटी है, पेट का फुहारा है, फूलना है, ढकार है, कुछ भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो विचार वो बाजू में रखेंगे, वो विचार है और वो अपने बॉडी को तकलीफ हो रही है, आप वो विचारों को बाजू में रखो, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, अटेंशन नहीं देना है, विचारों को बाजू में रखना है, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, अन्न नलिका को पाचन संस्था को पूरा रिलैक्स 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 करना है, पूरा बदन रिलैक्स 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 करना। अब ये देखो कि आप के मन में कहाँ कहाँ ऐसी भावनाएं आपने दबा के रखी हुई है जो आपने बाहर निकाली नहीं है, वो देखो, वो भावना बाहर आने दो। किसी के साथ में आपका वाद विवाद है, संवाद नहीं है, तो उसके बारे में संवाद चालू करो, वाद विवाद बंद करो, विवाद नहीं होना है, संवाद होना है। गुस्सा हुआ किसके प्रति, उसके बारे में सजग हो जाओ, क्या आप गुस्सा कर रहे हैं, खुन्नस है उसके प्रति, तो वो खुन्नस को सजग हो जाओ, मेरी खुन्नस है। कुछ बातें किसी को बताई नहीं है, दिमाग में रखी हुई है, अपने मन में रखी हुई है बातें, तो वो बातें उसको प्रेजेंट हो जाओ, तो गुस्सा है, खुन्नस है, दुख है, ये सभी को प्रेजेंट हो जाए और वो बाहर निकालो, बाहर आने दो। और जिसके प्रति गुस्सा खुन्नस या किसे बात नहीं करना है, दबी हुई भावनाएं हैं, उसके साथ में बातचीत करके वो पूरा कर ला।
किसको क्षमा करना है तो क्षमा कर डालो, क्षमा मांगना है तो क्षमा मांगो, पूरा करो उसको। अभी आपको कल्पना करना है कि आप एक गुब्बारे में बैठे हैं, बहुत बड़ा फुगा है बलून, उसमें बैठे हैं। गुब्बारे के बाहर एक व्यक्ति है जो आपके जैसा है, आपकी ट्रू कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है। वो व्यक्ति अभी गुब्बारे के अंदर आने वाला है, मतलब आपकी जेरोक्स कॉपी वो है, वो अंदर आने वाला है, वो खिड़की से अंदर आ रहा है, गुब्बारे में आ रहा है। वो अंदर आ गया, आपके पास में आया। ये ऐसा व्यक्ति है कि जो एकदम परफेक्टली नॉर्मल है, कोई चिंता नहीं, कोई पेट के विकार नहीं, कोई पाचन संस्था के विकार नहीं, अन्न नलिका के विकार नहीं है, डेकर नहीं है, ढकार नहीं है, फूलना नहीं, लैट्रिन का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स मस्त आदमी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल आदमी। वो आप है और वो आपके पास में आया हुआ है और आपके शरीर में उसने प्रवेश किया हुआ है, आपके शरीर में प्रवेश किया और आप दोनों एक हो गए। और आप ऐसे इंसान हो कि जिसको भी बहुत पेट रिलैक्स लग रहा है, अन्न नलिका पाचन संस्था पूरी रिलैक्स लग रही है, खुश है, वो जुनून है, जोश है, उत्साह है, कुछ भी कर सकता है, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप एकदम अच्छे हो गए, वंडरफुल हो गए, ऐसी कल्पना करो, अपने आप को ऐसा देखो, ऐसा अनुभव करो कि आप एकदम नॉर्मल हो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है पेट का, मस्त लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, रोज के रोज लैट्रिन साफ हो रही है, पेट एकदम नॉर्मल है, ढकार नहीं है, हिचकी नहीं है, ची मछलाना नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम मस्त रिलैक्स लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी भूख लग रही है, मन रिलैक्स है, उत्साह है, हल्का लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऐसी कल्पना करो अपने आप की। आप ऐसे बन गए हो नॉर्मल, बहुत जबरदस्त। ऐसी कल्पना करो, बहुत अच्छा लग रहा है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, आपको भूख अच्छी लगती है, खाना अच्छा जा रहा है, पेट हल्का है, काम में बहुत इच्छा हो रही है, नींद अच्छी, संबंध अच्छे, बहुत बढ़िया। अपने आप को देखो ऐसा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अभी मैं आपको सम्मोहन से बाहर निकाल रहा हूं, 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ती जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था धीरे धीरे खुल जाएगी और आपको जाग आ जाए। जाग आने के बाद में बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। 3, आंखें खुल रही है। 2, आंखें खुल रही है। 1, उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, बहुत बढ़िया। अभी ये जो है ये एक सेशन है, तो ये सेशन रोज 4 बार आपको सुनना है। और एक्चुअली जब आप जी रहे, जीवन जी रहे, उसमें भी ऐसी कल्पना करना कि मन रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, और विचार भी आता है पेट विकार का, वो बाजू में रख दो, एकदम मस्त खुश रहो। देखो बोलते बोलते आपका मतलब एकदम तबीयत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।